गुरुग्राम में नगर निगम चुनाव के मद्देनजर रखते हुए वार्ड बंदी की प्रक्रिया लगातार जारी थी, जिस पर कई बार ऑब्जेक्शन लगा, लेकिन इस बार जिला प्रशासन की तरफ से वार्ड बंदी की प्रक्रिया को पूरा कर दिया गया है। जिला उपायुक्त निशांत यादव ने बताया कि जिला प्रशासन की तरफ से वार्ड बंदी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और सरकार को इसकी रिपोर्ट भी भेज दी गई है। जिला उपायुक्त की तरफ से वार्ड बंदी की प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद अब आरक्षित सीटों पर प्रक्रिया जारी है, जिसे जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। इससे पहले मानेसर नगर निगम एरिया की वार्ड बंदी पर आरक्षित सीटों की प्रक्रिया को भी पूरा कर लिया गया है। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट में हरियाणा सरकार की नोटिफिकेशन के अनुसार मानेसर नगर निगम के वार्डों को आरक्षित किए जाने का कार्य आज पूरा कर दिया गया है। परिवार पहचान पत्र के डाटा के अनुसार मानेसर के वार्ड नंबर 15, 16 और 20 को अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। वहीं इनमें आज पारदर्शिता से ड्रॉ निकालकर तीनों वार्डों में से एक वार्ड 15 को अनुसूचित महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया। बीसीए वर्ग के अधिक आबादी वाले वार्ड 8, 9 और 17 में से एक वार्ड को पिछड़ा वर्ग एवं महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया जाना था। इन तीनों वार्डों का ड्रा निकालकर वार्ड नंबर 9 को बीसीए महिला वर्ग के लिए आरक्षित किया गया है। तदुपरांत बाकी बचे 16 वार्डों के वार्ड नंबर लिखकर सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वार्डों को आरक्षित किया गया। वार्ड बंदी की जो फाइनल नोटिफिकेशन है वो सरकार के द्वारा की गई है। इसमें जो एक ड्राफ्ट वार्ड बंदी थी वो प्रशासन के द्वारा लोगों के पास ऑब्जेक्शन के लिए रखी गई थी, जिसपे काफी सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन दिए। उनको एग्जामिन करने के बाद एक फाइनल ड्राफ्ट सरकार को भेजा गया, जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है। तो अब वार्ड बंदी एक तरीके से फाइनल हो गई है और अगला जो प्रोसेस है वो है वार्ड रिजर्वेशन का। वो भी हमारे द्वारा आने वाले 1 से 2 हफ्ते में पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद जो है वो पूरी डिलिमिटेशन की प्रोसेस कंप्लीट मानी जाएगी और एक तरीके से इलेक्शंस के लिए हमारी पूरी तैयारी रहेगी। तो कब तक ये नगर निगम चुनाव का ये रास्ता जो है वो रुका हुआ था, कब तक फ्री हो सकता है सर? इसमें देखिए, ये तो स्टेट इलेक्शन कमीशन और सरकार पे निर्भर करता है कि कब इलेक्शन कराना है, बट हमारी तरफ से पूरी तैयारी रहेगी, न केवल गुरुग्राम की बल्कि मानेसर की भी वार्ड बंदी, और वहां तो इनफैक्ट वार्ड रिजर्वेशन की प्रोसेस भी पूरी कर ली गई है। तो दोनों नगर निगमों का चुनाव का रास्ता अब ओपन है और जब भी सरकार और स्टेट इलेक्शन कमीशन इस पे कॉल लेंगे तब इलेक्शन इसमें करवा लिए जाएंगे। सर, किस तरह के ऑब्जेक्शन इस पूरे वार्ड बंदी को लेकर आए थे? इसमें विशेष करके कुछ अगर कोई बूथ छूट गया हो, गलत एरिया में जोड़ दिया गया हो, किसी को शिफ्ट कराना हो, चेंज कराना हो, कुछ सोसाइटीज की रिप्रेजेंटेशन आई थी कि हमें इस वार्ड से बजाय इस वार्ड में जोड़ा जाए या इस बूथ से हमारे वोट्स यहाँ जोड़े जाएं, तो अलग अलग मिसलेनियस सी रिप्रेजेंटेशन इसमें आई थी और उन सबको कंसिडर किया गया है। जो जो वार्ड बंदी रूल्स डिलिमिटेशन रूल्स 1994 हैं उसके तहत पाए गए, उनको हमने कंसिडर कर लिया है और बाकी जो उस नियमों के हिसाब से नहीं थे उनको खारिज कर दिया। कितने वार्ड गुड़गांव नगर निगम में होंगे और कितने वार्ड मानेसर नगर निगम में होंगे? मानेसर में 20 वार्ड हैं, गुरुग्राम में 36 वार्ड हैं, 36 वार्ड हैं। ठीक है।